नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अर्जुन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कपाली ने अपराधियों के बाद अब चोरों का आतंक, बंद घर का ताला तोड़कर नकद 2 लाख और गहने ले उड़े। लखीमपुर की घटना के विरोध में शहर में उबाल, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया विरोध प्रदर्शन, योगी सरकार का फूका पुतला। दुर्गा पूजा में भोग बनाने पर रोक नहीं, वितरण गाइडलाइंस के तहत होम डिलीवरी के माध्यम से, कहा उपायुक्त ने। और अक्षेत्र पर ठेले खुमचे वालों से अवैध वसूली का लगा आरोप। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली में अपराधी घटनाएं काफी बढ़ गई थी, जिसे लोग काफी भयाक्रांत थे। अब क्षेत्र में चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। ताजा मामला अलीनगर का है, जहाँ बीती रात अब्दुल अंसारी नामक व्यक्ति के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने नगद 2 लाख रुपए और करीब 25,000 के गहने चुरा लिए। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कपाली के अलीनगर स्थित अब्दुल सद्दाब अंसारी के एक बंद घर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे नकद 2 लाख तथा करीब 20,000 रुपये मूल्य के आभूषण चुरा लिए। अब्दुल सद्दाब अंसारी ने बताया कि अब रविवार को जमशेदपुर से कदमा स्थित शास्त्री नगर अपनी बहन के घर श्राद्ध कर्म में गया हुआ था। सोमवार की सुबह लौटा तो देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आंदोलनरत किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिए जाने की घटना की देश भर में निंदा की जा रही है। शहर में शिक्षा संगठनों और ऑल इंडिया स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा सांची में उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आंदोलनरत किसानों पर वाहन चढ़ा दिए जाने की घटना की देश भर में निंदा की जा रही है। शहर में भी सिख संगठनों ने जोरदार रूप से विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। खीरी में जो किसानों को कृषि अपना वहाँ के गृह मंत्री के पुत्र ने जो अपना गाड़ी से कुचल दिया है, जिससे 4 किसानों की उन्होंने निर्मम हत्या कर दी है। और हमने आज उत्तर प्रदेश की सरकार का पुतला दहन किया है और उन्हें हम ये इस मन से कहना चाहते हैं कि किसानों पर लगातार जो अत्याचार किया जा रहा है, जो किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है और आज किसानों को ही कुचल दिया गया, ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक बार जातीय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जो आजीवन मान्य होगा। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले का आथू ने स्वागत किया है और कहा है कि अन्य पिछड़ी जातियों पर भी यदि यही नियम लागू हो तो बेहतर होगा। गौरतलब हो कि विगत दिनों झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की जाति प्रमाण पत्र को एक बार निर्गत करने के बाद उसे आजीवन मान्यता दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों को भी ऐसी ही सुविधा मुहैया कराने की मांग आजसू ने उठाई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने की बात फैसला लिया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी झारखंड में सभी रहने वाले को एक दृष्टि से देखें। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य जाति के लोग जो भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं उनका आजीवन मान्य होना चाहिए। इस मांग को लेकर के आज मुख्यमंत्री जी को हम लोग पत्र डीसी महोदय के माध्यम से देने जा रहे हैं। मानगो बस पड़ाव के बाहर ठेले व खुमचे वालों से अवैध वसूली का आरोप अक्षेश पर लगाते हुए भारतीय जनता मोर्चा के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता मोर्चा का आरोप है कि विभाग के द्वारा अपने लोगों को बस अड्डे के बाहर तैनात किया गया है, जो प्रति ठेले से प्रतिदिन 100 रुपये वसूल रहे हैं और इसका रसीद भी उनके पास उपलब्ध है, जिसके जमशेदपुर अक्षेत्र का नाम अंकित है। इनके अनुसार ये वसूली जबरन की जाती है, जबकि ठेले वालों की कमाई इतनी नहीं है कि वे रोजाना 100 रुपये दे पाए। लगभग 100 से ज़्यादा ठेला वाले लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए ठेला लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों से अवैध तरीके से 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उन ठेला वालों से वसूली की जाती है। जो गरीब है, जो 2 किलो दूध लाकर चाय बना के बेचता है, उससे ही मांगा जाता है, वो देने में असमर्थ होता है, तो उसके साथ जो है जेनेसी के अवैध जो कर्मचारी हैं जो वसूली में लगे हुए हैं उनके द्वारा ठेला पलटने का धमकी दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में वामपंथी दलों द्वारा सांची गोलचक्कर पर जमकर प्रदर्शन किया गया और योगी सरकार को निरंकुश सरकार बताते हुए उनका पुतला फूंका गया। लखीमपुर की घटना के विरोध में वामपंथी दलों ने भी साक्षी गोलचक्कर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार का पुतला फूंका। योगी सरकार एकदम निरंकुश है, हत्यारी सरकार हो गई है। निहत्थे किसानों पर बर्बर तरीके से गाड़ी चढ़ा करके रौंद दिया गया, ये दर्शाता है कि हिटलरशाही सरकार का पुनः आगरम इस सरकार में, इस वर्तमान व्यवस्था में हुआ है। दुर्गा पूजा में भोग वितरण को लेकर हो रही ऊहापोह की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उपायुक्त सूरज कुमार ने मंगलवार को कहा कि भोग बनाने में कोई रोक नहीं है, मगर कोविड गाइडलाइंस के तहत भोग का वितरण वॉलंटियर्स द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से होना चाहिए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि त्योहारों को कोरोना नियमों के तहत ही मनाया जाना है। पूजा पंडाल किसी भी थीम पर आधारित नहीं होगी ताकि अनावश्यक भीड़ यहां ना लगे। वहीं किसी प्रकार के मेले या पंडाल के आसपास कोई खाने पीने के सामानों की बिक्री भी नहीं होगी। माता की मूर्ति की ऊंचाई सर्वाधिक 5 फीट हो सकती है। वहीं किसी प्रकार के सार्वजनिक नृत्य, गरबा, डांडिया वगैरह का आयोजन नहीं होगा। वहीं ढाकी की अनुमति दी गई है। साथ ही मंत्रोच्चार के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत होगी। हालांकि इसके अलावा किसी तरह के भजन या संगीत के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग मनाही है। वहीं भोग वितरण के मसले पर चल रही विवाद पर उन्होंने कहा कि भोग बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से भीड़ इकट्ठा कर भोग वितरण पर रोक है। भोग वितरण होम डिलीवरी के माध्यम से पूजा कमेटी को करना है। दुर्गा पूजा के बनाने को लेकर हम लोगों के द्वारा लगातार विभिन्न थाना स्तरों पर बैठकें की जा रही है। अभी तक 2 इस प्रकार की बैठकें हो गई हैं जो कि जिले के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी संपादित की गई हैं। इस संबंध में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन को क्लियर करना है तो मुझे ये अप्रोप्रिएट लगा कि मैं मीडिया के माध्यम से इस पर्टिकुलर चीज को क्लियर करूं। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों को पंडाल को किसी थीम पे नहीं बनाना है, उसको 3 ओर से ढकते रखना है ताकि किसी की एंट्री नहीं हो। तो अगर किसी को दर्शन करना है तो उसे बाहर से दर्शन करके बिना पंडाल में एंट्री किए जा सकते हैं। ना तो हम लोगों को किसी प्रकार का फूड स्टॉल लगाना है, ना तोरण द्वार बनानी है, ना लाइटिंग करनी है जो अननेसेसरी क्राउड को अट्रैक्ट करे। साथ ही साथ हम लोगों को यह भी इंश्योर करना है कि जो पूजा कमेटी के लोग हैं एक समय पंडाल में 25 से ज्यादा नहीं रहेंगे, और जो भी लोग होंगे वो 18 वर्ष से ऊपर होंगे, उनका वैक्सीनेशन जो है वो पहले हो चुका होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो लाउडस्पीकर है उसके माध्यम से चैंटिंग जो है, मंत्रोच्चारण जो है वो अलाउड है, पर अन्य प्री रिकॉर्ड किसी प्रकार के ऑडियो और वीडियो अलाउड नहीं है। कोई कल्चरल प्रोग्राम जो है वो अलाउड नहीं होगा। मूर्ति जो है उसकी हाइट जो होगी वो 5 फीट होगी। पंडाल का निर्माण किसी भी थीम पे नहीं होगा ताकि लोग अननेसेसरी अट्रैक्ट करें। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार आ रहा है वो भोग को लेके है, भोग को बनाने का, भोग को वितरण को लेके। तो मैं क्लारिफाई कर देता हूँ कि भोग बनाना भी अलाउड है और भोग का होम डिलीवरी, मतलब अगर पूजा कमेटी के लोग घर घर जाके भोग का वितरण करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL द्वारा 22वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को झारखंड सर्कल के चीफ मैनेजर ने सम्मानित किया। BSNL ने सोमवार को अपने 21 वर्ष पूरे कर लिए और 22वें वर्ष में प्रवेश किया, जहां देश भर में इस उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जमशेदपुर स्थित एक होटल में भी इसका आयोजन किया गया, जहां जिले भर के तमाम कर्मचारी शामिल हुए, जहां बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। बातचीत के क्रम में BSNL के CGM झारखंड सर्किल श्री के सिंह ने बताया कि पूर्व के मुकाबले भारत संचार बेहतर कार्य कर रहा है। चलाइए सर, एक दूसरे को खाली काट रहे सर आप। इक्कीस साल पूरे हो गए 22वें स्थापना दिवस पर जो है जमशेदपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनके आमंत्रित किया गया। आज इस अवसर पर हम लोगों ने अपने साथ काम करने वाले हमारे चैनल पार्टनर टिप्स और हमारे चैनल क्लस्टर पार्टनर्स हैं जो कि हमसे जुड़े हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको फैसिलिटेट किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आंदोलनरत किसानों को कार से रौंदने की घटना के खिलाफ देश भर के कांग्रेसियों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया।
शहर में गांधी घाट में उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया और घटना की तीव्र निंदा की। लखीमपुर की घटना के विरोध में देश भर में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना दिया। शहर में भी गांधी घाट में उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया और विरोध जताते हुए घटना की तीव्र निंदा की। युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार इस जिले के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं और मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रवैया है, जिस प्रकार से किसानों को रौंदने का काम उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के पुत्र द्वारा किया गया है, उसके विरोध में आज पूरे देश में कई दिनों से इसका विरोध चल रहा है अलग अलग तरीके से, परंतु युवा कांग्रेस द्वारा ये आज सांकेतिक अनशन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका ये दमनकारी नीति, इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार की गुंडागर्दी राजनीति में और इस खास करके प्रजातांत्रिक देश भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रानी अवंतीबाई फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से दोमोहानी में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सरयू राय मुख्य रूप से मौजूद थे। कोरोना काल के दौरान जितने लोगों की महामारी से मौत हुई, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया गया। गौरतलब हो कि कोरोना काल में विश्व भर में और भारत में अनेकों लोगों की मौत हुई। ऐसे में कई ऐसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है जिनका कोई अपना नहीं है और उनकी आत्मा की शांति के लिए नियमों के तहत कोई शांति यज्ञ या अनुष्ठान नहीं किया गया। ऐसे में जमशेदपुर के रानी अवंतीबाई फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा उन मृत लोगों के आत्मा की शांति के लिए विशेष हवन एवं शांति यज्ञ का आयोजन पितृपक्ष के आखिरी तिथि में सोनारी स्थित दोमोहानी नदी तट पर किया गया, जहां जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय भी मौजूद थे। आत्मा की शांति के लिए देव जी ने अपने ट्रस्ट की तरफ से एक अनुष्ठान रखा था कि सभी आत्माओं की शांति के लिए हवन किया जाएगा। आज वही दोमोहानी पर जो पवित्र स्थान है, यहाँ पर देव जी द्वारा आयोजित हवन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कोरोना काल में दिवंगत आत्मा को शांति के लिए किया जा रही है। कोरोना काल में जो भी ज्ञात अज्ञात व्यक्ति हुतात्मा हो गए, उनकी आत्मा शांत हो गई हो, ठीक है, किसी की आत्मा शांत नहीं हुई है, भटक रही है, तो उसके लिए सार्वजनिक प्रयत्न है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा तुलसी भवन में 2 वर्षों बाद कंज्यूमैक्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा स्टॉल थी और गृह सज्जा की वस्तुएं, हस्तनिर्मित वस्तुएं यहां आकर्षण का केंद्र थी। 2 वर्षों तक महामारी की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। मेले में समाज की महिलाएं दूर दूर से आकर हस्तनिर्मित प्रसाधन सामग्रियों के अलावा गृह सज्जा और वस्त्रों की प्रदर्शनी सह बिक्री लगाती है। तुलसी भवन में आयोजित इस मेले में 100 से ज्यादा छोटी बड़ी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ लोगों की अच्छी भीड़ उमड़ रही है। पेपर में आना चाहिए ना। ये पहला मेला लगा है पूरा जमशेदपुर शहर में। मेला हमारा 24 साल से लगा है। ये महिला सशक्तिकरण को लेकर लगा है कि महिलाएं स्वावलंबन बने। ग्रीन अर्थ वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय रामगोपाल गुप्ता जी की याद में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 9 एवं 10 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रतियोगिता में विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ साथ नगद इनाम भी दिए जाएंगे। ग्रीन अर्थ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आगामी 9 एवं 10 अक्टूबर को धातकीडी सेंटर मैदान में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय आरजी गुप्ता की याद में किया जाएगा। प्रतियोगिता की विजेता टीमों को नगद इनाम भी दिए जाएंगे। तो बन्ना जी का बहुत योगदान रहा हमारे हम लोगों के साथ में। वो हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हैं। उनके पापा भी हमेशा हम लोगों को मतलब हेल्प करते थे, तो इसलिए उनके नाम से हम लोग करा रहे हैं ताकि सक्सेस हो ये टूर्नामेंट। विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर बागबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों ने श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार प्रचार का प्रण लिया। विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बागबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों ने स्कूल के सह सचिव सह उप मुखिया सुनील गुप्ता के नेतृत्व में बागबेड़ा कॉलोनी स्थित श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के प्राचार्य सहित कुल 36 शिक्षक शिक्षिकाओं को बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में मिठाइयां भी वितरण किया गया।
तत्पश्चात स्कूल परिसर में आयोजित बैठक के दौरान प्राचार्य कृष्णा पांडे ने जहां जरूरतमंदों के बीच शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर गांव की सरकार पंचायत प्रतिनिधि आज बागबड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 स्थित श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल की 36 शिक्षक शिक्षिकाओं को हम लोग बुग्गे देकर सम्मानित किए हैं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा के प्रति इसी तरह शिक्षिका और शिक्षिकाएं अग्रसर रहेंगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। होमियो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज, डॉक्टर जगदीश प्रसाद MDEH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर EY 362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहां कहां से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं, आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.